हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए लॉट्स ऑफ करंट अफेयर्स। बट अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी अपकमिंग बैचेस कौन कौन सी हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी अपकमिंग बैचेस जो कि सेप्टेम्बर महीने की हैं, वो आप देख सकते हो 1 सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रही है और 29 सेप्टेम्बर तक ये बैचेज हैं। सभी बैचेस जो हैं वो क्या है, बाइलिंगुअल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट दैट इज़ www.mahindras.org पे विज़िट कर सकते हो, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार देख लेती हूँ चैट बॉक्स की तरफ कि कौन कौन से हमारे स्टूडेंट चैट बॉक्स में एक्टिव हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आशीष सिंह जी हैं, ज्योति तिवारी हैं, राजकुमार सोनकर हैं, विकल्प सिंह हैं, नदीम हैं, कार्तिक रॉय हैं, यश जायसवाल, निशांत कुमार हैं और हॉरर आशु हैं, ठीक है। तो भार्गव भागवत एंड निशांत कुमार, मोदित उद्योग और उसके बाद ए के राय और ऋतुश्री दत्ता। तो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। सालू गौतम जी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। डू वन मोर थिंग, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, वन मोर थिंग। क्या क्लास की लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, सुभराज साहू जी, चलिए अनुपम वर्मा जी और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे, रंजीत कुमार जी, गौरव जी। तो चलिए अभी करना क्या है, आपको छोटा सा काम करना है, क्लास की लिंक शेयर करना है। एंड उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी आज की डेट की थॉट्स क्या है। तो बिल्कुल एकदम मोटिवेशन वाला थॉट है, सुबह सुबह एकदम मोटिवेशन वाला डोज, दैट इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड रियलिटी, योर ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये समय है एक्शन लेने का। आपके सपने और आपकी जो अभी प्रेजेंट रियलिटी है, इन दोनों के बीच की दूरी आपका एक्शन है। यानी जितना आपका एक्शन होगा, जितना ज़्यादा आपका एक्शन, जल्दी जल्दी आप एक्शन लोगे, उतना जल्दी ही जो है ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ये आपके ही हाथ में है, कोई आपके ड्रीम को पूरा करने नहीं आने वाला, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन तो आपको खुद ही लेनी है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है हमारे सारे विद्यार्थी काफ़ी तेज है, समझदार है, इस बात को ज़रूर समझेंगे और जम के मेहनत करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस के रूप में दिया था, जिसका आंसर डीएस देसी कमेटी, तो बिल्कुल ही सही आंसर ये है। और जिन्होंने भी आंसर सही किया है वो है आर डी डेवी स्टोन जी, लक्ष्मी टी एंड उसके बाद सरिता रावत और राजवीर कपूर हैं, अनूप कुमार पटेल हैं, नदीम हैं एंड इसके बाद हम देखेंगे शुभम कश्यप हैं और क्या है यहाँ पे हम देखेंगे जुंतिका दास है। तो ये सारे स्टूडेंट जिन्होंने किया था सही आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी जो डेट है इम्पॉर्टेंट, जिसे आज भी हम रिवाइज कर लेते हैं, कल भी हमने रिवाइज किया था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट डेट जरूर लर्न कर चुके होंगे, है ना। तो आपको इम्पॉर्टेंट ही करना है, हालांकि मैं डिस्कस सभी डेट करती हूँ। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं 6 अगस्त की, जो कि फर्स्ट फ्राइडे है अगस्त महीने का। और इस दिन हम लोग मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल बीयर डे। एंड उसके बाद 1 अगस्त जो कि संडे, फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे, 1 अगस्त को अगेन हमने मनाया नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 अगस्त को हम मनाते हैं यॉर्कशिन डे, 4 अगस्त होता है यूएस कोस्टल गार्ड डे एंड उसके बाद 6 अगस्त है हमारा हिरोशिमा डे, 7 अगस्त होता है नेशनल हैंडलूम डे, 8 अगस्त होता है वही भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मोमेंट, याद है ना महात्मा गांधी जी, बिल्कुल। तो ये आप याद कर सकते हो, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। 9 अगस्त को होता है नागासाकी डे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो एटम बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा, लिटिल मैन एंड फैट बॉय, तो अलग अलग टाइम पे गिरा था, पहले 6 अगस्त को फिर 9 अगस्त को। एंड उसके बाद हम देखेंगे 9 अगस्त को अगेन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल एंड 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। वैसे एक बात बताइए,
हमारा नेशनल यूथ डे कब होता है? मुझे बताएंगे, 12 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब होता है? तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो बिल्कुल 12 जनवरी, है ना, 12 जनवरी। ओके, चलिए बात करें अगेन। 12 अगस्त को होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें 13 अगस्त की, तो 13 अगस्त होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इंटरनेशनल जो है लेफ्ट हैंडर्स डे, तो लेफ्ट हैंड वालों के लिए ये डे है। उसके बाद अगर हम बात करें 13 अगस्त को होता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, है ना, तो अपने शरीर के अंगों का अगर हम दान करते हैं तो उसके लिए ये दिन डेडिकेटेड है। 14 अगस्त की बात करें तो ये जो है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है। 15 अगस्त की बात करें तो ये जो है नेशनल मॉर्निंग डे यानी बांग्लादेश के लिए। और अगर हम बात करें अगेन 15 अगस्त की, तो ये अपना आज़ादी वाला दिवस, तो ये तो याद ही रहेगा, भूलोगे तो बिल्कुल भी नहीं। 15 अगस्त की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो है डे ऑफ द एजम्पशन ऑफ द, जो है आप देख सकते हो, वर्जिन मैरी, तो वर्जिन मैरी एजम्पशन करने का दिन है 15 अगस्त। 16 अगस्त की बात हम करें यहाँ पे, तो ये जो है बेनिन गोचन बैटल डे। उसके बाद 17 अगस्त की हम बात करें तो इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। 19 अगस्त की हम बात करें तो ये होता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। उसके बाद अगर हम 19 अगस्त की बात करें तो ये वर्ल्ड जो है ह्यूमैनिटेरियन डे है। एंड उसके बाद 20 अगस्त की बात करें तो ये है वर्ल्ड मॉस्क्यूटोज डे, है ना, मच्छर वाला, चलो मच्छर वाला दिन भी हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब 20 अगस्त की अगेन हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सद्भावना दिवस है ये। 20 अगस्त की अगर हम बात करें अगेन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन अक्षय ऊर्जा डे है, तो ये आपको याद करना है, चलिए ये भी याद कर लीजिएगा। एंड इसके बाद 23 अगस्त से पहले हम देख लेते हैं, 22 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1969 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 23 अगस्त की बात करें, तो ये होता है इंटरनेशनल डे फॉर दी रिमेम्बरेंस ऑफ दी स्लेव एंड अ ट्रेड इट्स एबॉलिशन। ठीक है, तो स्लेव यानी दासता यानी गुलाम प्रथा के लिए, गुलाम के लिए है ये। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। 23 अगस्त को अगेन हम सेलिब्रेट करते हैं यूरोपियन डे फॉर दी रिमेम्बरेंस फॉर विक्टिम्स ऑफ जो है स्टेलिनिज्म एंड नाजिम। एंड 26 अगस्त होता है हमारा वर्ल्ड वुमेन इक्विटी डे, एंड उसके बाद इक्वालिटी डे है। एंड उसके बाद 23 अगस्त को हम अगेन सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 29 अगस्त जो है हमारा नेशनल स्पोर्ट डे होता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 30 अगस्त की, तो ये होता है स्मॉल इंडस्ट्री डे। और अगर हम बात करें 31 अगस्त की, तो ये जो है मलेशिया इंटरनेशनल डे है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। तो बिल्कुल अभी सारे आर्टिकल्स जो होंगे हमारे, वो पैरा ओलंपिक से संबंधित होंगे। बहुत बड़ा सा नहीं, शॉर्ट शॉर्ट करके डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मी नैयर जी बोल रहे, मैम प्रीवियस स्लाइड एक बार शो करा दीजिए। सर स्लाइड्स आप डाउनलोड कर लेना, क्लास ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो भाई, पैरा ओलंपिक में जो है मेडल का बरसात होना शुरू हो गया है ना। तो पहले मेडल में अब हम बात करें, तो कल तो हमने डिस्कस किया था कि सिल्वर हमें प्राप्त हुआ था। आप मुझे बताइए, कल मैं क्या पढ़ाई थी, किस गेम में और किनको सिल्वर प्राप्त हुआ कल? चलो अभी हम देख लेते हैं इंडियाज की, जो है हम देख रहे हैं अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जिनको मिला है क्या फर्स्ट गोल्ड मेडल, है ना, कंट्री का फर्स्ट गोल्ड मेडल हमारा आ चुका कल। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पैरा ओलंपिक में वुमेन्स 10 मीटर जो है एयर राइफल कैटेगरी में, 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में ये मेडल हमें प्राप्त हुआ है। और ये हमारा पहला मेडल तो इस सेशन का है ही, पैरा ओलंपिक का, साथ ही साथ इस कैटेगरी में भी हमारा ये पहला मेडल है, ये हमें याद रखना है। और इनका जो रिकॉर्ड रहा आप देख सकते हो, 249.6 है ना, ये इनका स्कोर रहा, तो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट, एंड ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अगेन हमारा सेकेंड गोल्ड आया, सेकेंड, कल बोली ना कल गोल्ड की बरसात हुई थी, तो दो ही थे बट अच्छा था। तो यहाँ हम देखेंगे इंडियाज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो सुमित है ना, तो हमारे
सुमित एंटिल ने भाई क्या किया है, जैवलिन थ्रोइंग में, मेन जैवलिन थ्रोइंग में जो है कैटेगरी जो है F64 में, कैटेगरी F64 में जो है 68.55 जो है मीटर थ्रो करके गोल्ड अपने नाम किया पैरा ओलंपिक 2020 में। तो पैरा ओलंपिक 2020 में हमें अगेन दूसरा गोल्ड मिला जो कि जैवलिन में था। आपको बता दें, आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कि जैसे इनका जो रिकॉर्ड रहा कितना का, 68.55 का है ना, अब बताओ मुझे नीरज चोपड़ा का फाइनल थ्रो कितना था। तो नीरज चोपड़ा का फाइनल थ्रो आप मुझे बताएंगे जल्दी से चैट में, ठीक है। और यहाँ पे राहुल जी ने बता दिया है जैवलिन थ्रो डे 7 अगस्त, बिल्कुल। तो जैवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को हमारी सरकार जो है ये मनाने की ठान ली है, इन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैवलिन के नाम पे तो भैया अभी देखो और मेडल है बाकी, तो गोल्ड ही नहीं सिल्वर भी है। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे जो देवेंद्र झा झरिया जी हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, और ये भी जैवलिन में है, जैवलिन थ्रो में। इनकी कैटेगरी है F46, ठीक है। तो F46 कैटेगरीज में इन्होंने, जैवलिन में इन्होंने पदक हासिल की जो कि सिल्वर थी। एंड सेकेंड ही, यहीं पे हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारे सुंदर सिंह गुर्जर जी बाकी हैं अभी। तो सुंदर सिंह गुर्जर जी ने भी ब्रॉन्ज जीता है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, वो भी जैवलिन थ्रो में ही है। और उनकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उनका जो है बेस्ट थ्रो रहा 64.01। तो देखिए, यानी अगर हम जैवलिन की बात करें तो पैरा ओलंपिक में हमें गोल्ड भी मिल गया, हमें सिल्वर भी मिल गया और हमें ब्रॉन्ज भी मिल गया। साथ ही साथ हमें टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन में ही हमारा इंडिया का फर्स्ट गोल्ड है ना, वो क्या था बताओ भाई, नीरज चोपड़ा के द्वारा हमें मिल गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैवलिन भाई हमारे देश का तो अब एकदम हिट हो गया है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे योगेश काथुनिया, योगेश काथुनिया जी ने भी सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक मेन डिस्कस थ्रो में। तो डिस्कस थ्रो में जो है सिल्वर मेडल हमें प्राप्त हुआ है F56 की कैटेगरी में। तो F56 कैटेगरी में हमें डिस्कस थ्रो में भी सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगेन हम देखेंगे पैरा ओलंपिक में इंडिया के जो निशांत कुमार हैं, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है हाई जंप के T47 कैटेगरी में, हाई जंप के T47 कैटेगरी में इनकी जो दूरी रही, जितना मीटर इन्होंने जंप करा वो है 2.06 मीटर। तो याद रखना है निशांत कुमार, हालांकि मैं कल बताई थी, हल्का सा आपको हिंट की थी। एंड इसके बाद हमारा एक मेडल पे, ये मैं डिस्कस तो कर रही हूँ लेकिन मुझे डाउट है, डाउट है क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें इनके लिए चल रही हैं, इसे कैंसिल भी माना जा रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री तक ने बधाई दे दी थी। तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं और ये जान के करते हैं कि यहाँ पे थोड़े से जो है हमारे चेंजेस होने की संभावना है, ये चेंजेस हो गए हैं क्योंकि बहुत क्लियर कट नहीं आया कहीं पे। जो है ये बातें मिल रही हैं कि पदक मिल चुका है, मेडल मिल चुका है, और कहीं पे ये बातें भी चल रही हैं कैंसिल हो गया। फिलहाल हम देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक में विनोद कुमार जी, बस इन्हीं की मेडल की मैं कल बात करी थी कि होल्ड किया गया, कल मैं डिस्कस भी की थी कि ये मेडल जो है अभी क्लियर नहीं है, होल्ड है, डिस्कस वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है ये देखने वाली बात होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक में विनोद कुमार ने शायद जीत लिया है, नॉट मच श्योर, और अगर यस होगा तो ब्रॉन्ज मेडल है जो कि 19.91 मीटर की कैटेगरी में है और ये डिस्कस थ्रो में है। और इनकी बात करें तो ये F52 इवेंट है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं और क्लियर कट कट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मतलब ये कैंसिल ही है एक तरह से मानिए, ठीक है, लेकिन अलग अलग मीडिया में अलग अलग न्यूज़ है तो थोड़ा मैं कंफ्यूज थी, लेकिन इतना श्योर है कि ये कैंसिल है, पहले होल्ड पे था ये कैंसिल है, हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं ये जान के कि ये कैंसिल है, राइट, ये जान के डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैंसिल है। चलिए तो
आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से न्यूज़ है। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के लिए जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की है। क्या इस्टेब्लिश करने की बात की है? तो बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड फिशरीज कॉलेज कम रिसर्च सेंटर एट, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है टूटीकोरिन, ठीक है, तो ये प्लेस है। और यहाँ पे साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फिशरमैन को, इम्प्रूव किया जाएगा इनके स्किल को। तो बात समझ में इतनी आ रही है कि तमिलनाडु में जो तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु के जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, उनको और ज़्यादा टेक्निकली साउंड बनाने के लिए ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रही है, जिसमें रिसर्च तो होगा ही होगा, साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। किनको? तो जो मछली का बिजनेस करते हैं, जो मछली वाले सेक्टर में इन्वॉल्व है, यानी फिशर्समैन को। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्टर एल मरुंगन। तो डॉक्टर एल मरुंगन जो कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो हमारे जो केंद्र राज्य मंत्री हैं, किसके? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाम क्या हो गया, याद रखोगे? डॉक्टर एल मुरुंगन। अच्छा ये बताइए, हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है आपके INB के, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, वो कौन है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कौन है, मुझे बताइए। उनके पास दो मंत्रालय, मैं हिंट कर दे रही हूँ, दो मंत्रालय। एक तो उनके पास खेल वाला मंत्रालय भी है और दूसरा INB मंत्रालय भी है। आई थिंक आप लोग मुझे बता दोगे कि अब सही आंसर क्या होने वाला है। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे केंद्र राज्य मंत्री एल मुरुंगन के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। क्या इनोग्रेशन हुआ है? तो कम्युनिटी रेडियो का जो है इनोग्रेशन हुआ। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है सेटअप की गई है, कहाँ पे? तो मैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैशूर। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, भाई ये जगह कहाँ पे है? तो भाई हम चले जाते कहाँ पे, कर्नाटका है ना। तो चलिए आगे बात करते, बिल्कुल अनुराग ठाकुर इज आंसर, सही आंसर आ चुका है। अब ये मुझे बता दीजिए, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? मैं कई बार बताई हूँ, मैं हिंट करती हूँ, जो गवर्नर है वो पहले हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे हमारे गवर्नर। आपको बताना है नाम क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है, यहाँ के प्रीवियस CM ने रिजाइन किया और न्यू CM भी चुने गए हैं। आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ के CM कौन है। कई बार पढ़ाई हूँ, हिंट कर दी हूँ, जल्दी से नाम बताएंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तब तक। जी बिल्कुल, यहाँ पे रेडियो डे बता रहे, 13 फरवरी, बहुत बढ़िया। राहुल यहाँ जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ इसका आंसर बता दीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे थावर चंद गहलोत आना शुरू हो गया विकल्प जी का। और राहुल जी थोड़ा देख लीजिए क्या लिखे हो। एंड इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, चलो ठीक है आप लोग आंसर करो, आपके आंसर में मेरी नज़र है। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे क्या है, यूनियन मिनिस्टर है, किसके भाई? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इनके पास दो मंत्रालय, एक तो हाउसिंग एंड अर्बन वाला, सेकेंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। किनके पास? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, 7.5 किलोमीटर लॉन्ग वेस्टर्न एक्सटेंशन मेट्रो लाइन। तो वेस्टर्न जो लाइन है मेट्रो की, उसे एक्सटेंड किया गया है और ये काम जो है फेज 2 में किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो बिल्कुल जो है हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु की बात हम कर रहे हैं, अगेन बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, यानी कर्नाटका की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो नम्मा मेट्रो फ्रॉम मैसूर रोड टू जो है हम देख सकते हैं केनगरी मेट्रो स्टेशन। तो नम्मा मेट्रो जो कि मैसूर रोड से कहाँ तक है, आपके केनगरी मेट्रो स्टेशन तक। तो प्लेस तो हमें याद ना हो, नो मैटर,
लेकिन स्टेट हमें याद होने चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्लेयर हैं, जो हमारे क्रिकेटर, यानी हम बात करें इंडिया के ऑलराउंडर जो प्लेयर हैं, इनकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जो है स्टैटुट बिन्नी, इन्होंने क्या किया है जो है अनाउंस कर दिया है कि अब ये संन्यास ले रहे हैं। किससे संन्यास ले रहे हैं? तो इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास गेम से ये संन्यास लेने की बात अनाउंस कर चुके हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, जल्दी से आप पहले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग 2021 फॉर दी अगस्त मंथ ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे देख सकते हैं, इन दी मिडिल ईस्ट एंड दी जो है आप देख सकते हो यहाँ पे पैलेस्टीन क्वेश्चन। तो पैलेस्टीन के क्वेश्चंस में एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताना है कि ये मीटिंग को जो है किसने, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है चेयर किया है। तो मीटिंग को चेयर किसने किया है ये आपको बताना है। अजय कुमार, हर्षवर्धन श्रृंगला एंड उसके बाद टीवी सोमनाथन या गीता गोपीनाथन और उसके बाद एस जयशंकर। तो क्या होगा आंसर? आंसर आना शुरू हो गया है। अजय कुमार बता रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से आंसर करें। एस जयशंकर भी आंसर आ रहा है, सही है यार, तुम लोग तो ऑप्शन तो बांट लिए हो आपस में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, यस जसवाल बता रहे हैं 5। तो थोड़ा कन्फ्यूजन का सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए इतना पैनिक नहीं होना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपस में इतने प्रेम पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बांट लिया है। एस जयशंकर, पता है कौन है हमारे एस जयशंकर? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है, मीटिंग की बात की जा रही है, तो इसे जो है चेयर किया जा रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हर्षवर्धन जो है श्रृंगला के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा अगस्त महीने की, फिलिस्तीनी प्रश्न, फिलिस्तीनी क्वेश्चन पर आज जो है यहाँ पे डिस्कशन होगी, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, सीबीडीटी जो है एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास एक्ट टिल विच डेट। तो विवाद से विश्वास एक्ट तक जो है पेमेंट जमा करने की जो डेडलाइन है उसे बढ़ा दी गई है, कब से कब तक किया गया आपको बताना है। ये काम करने वाली जो बॉडी है वो है सीबीडीटी। ऑप्शन 30 नवंबर से जो है 2021, 30 दिसंबर 2021, सितंबर 2021, 26 सितंबर, 25 सितंबर 2021। तो क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो चुका है। तो देखिए हमारी जो सीबीडीटी है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है, हम देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इनके द्वारा एक्सटेंड किया गया है डेडलाइन को, और ये डेडलाइन जो है वो कायदे से ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 सितंबर है ना। तो ये डेडलाइन एक्सटेंड किया गया है। अब यहाँ पे जो विवाद से विश्वास एक्ट है, यानी इसकी बात अगर हम करें, तो ये जो है वो धनराशि, जैसे देखिए जो मॉनेटरी वैल्यू की बात अगर हम करें, तो हमारा जो पैसा जो हम सरकार से छुपाते हैं, ठीक है, तो उस छुपाने वाले पैसे में हमें डर रहता है ना कि इस कुछ एक्शन होगा, तो अब एक्शन होगा इस डर से हम सरकार के पास जाएंगे नहीं, और अगर जो है हम सरकार हमारे पास आ जाती है तो बहुत ज़्यादा झंझट में फंस जाते हैं, ये भी टेंशन लगे रहता है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके आप अपनी चीज़ों को शेयर करें। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट वहाँ पे आपकी जो, आपने जो लूप होल क्रिएट किया है, यानी जो आपने मिसकंडक्ट किया है, उसको गवर्नमेंट जरूर से सॉल्व करेगी, यानी आपके ऊपर पेनाल्टी तो लगा ही जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से हुए क्राइम मचा दिया जाएगा। तो ये विश्वास जताने के लिए सरकार विवाद से विश्वास स्कीम लेकर के आई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
थर्ड नंबर, रिसेंटली एनटीपीसी कमिटेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग पावर सप्लाई इन विच स्टेट, तो आपको बताना है किस स्टेट में जो है पावर सप्लाई के लिए एनटीपीसी ने जो है अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं इम्प्रूव किया है ना, तो आपको बताना है किस स्टेट में कमिटेड है भाई हमारी एनटीपीसी, तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, व्हाट वुड बी द आंसर। तो यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है मुझे, आशीष जी बता रहे हैं 3 3 का 3, 3 का 3, 3 का 4, नितेश जी, सुषमा छेत्री जी 4, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें निशा चौहान 4, तो चलो यश जसवाल 3, ठीक है बहुत बढ़िया, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ अगर हम बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है पंजाब पे भी है बहुत सारे लोग, तो चलिए तो 3 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा क्या, सोच के देखो, तो 3 नंबर का आंसर जो है वो है बिहार, यानी बोला जा रहा है एनटीपीसी जो है इन्होंने जो है पावर सप्लाई करने के लिए बिहार एज पर दी शेड्यूल प्रोवाइड बाय वेरियस स्टेशन, है ना, एनटीपीसी की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी जो एनटीपीसी और उसके जितने भी संयुक्त जो हम कह सकते हैं पावर सप्लाई वाले स्टेशन है ना, तो इनके द्वारा जो है बिहार राज्य को बिजली आपूर्ति जो है ये सही तरीके से हो सके इसके लिए सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो लगभग जो है यहाँ पे 62% बिहार में बिजली की खपत है, ठीक है, और बहुत ही कम उपलब्ध हो पाता है, तो औसतन जो है वो बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन जैवलिन एट पैरा ओलंपिक गेम्स इन टोक्यो 2020, तो आप तो ये सब तो जल्दी जल्दी बता दोगे आप लोग मुझे, तो ब्रॉन्ज मेडल की बात की गई है जैवलिन में पैरा ओलंपिक 2020 में, योगेश जो है काथुनिया जी को मिला है या अवनी लेखरा को मिला है, उसके बाद ज्योति बलियान को मिला है, सुंदर सिंह गुर्जर को मिला है या योगेश जो है काथुनिया को मिला है, यहाँ पे योगेश काथुनिया इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है, तो कोई नहीं। चलिए अब मान के बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग सही सही आंसर करेंगे क्योंकि इसमें तो गलत बनेगा ही नहीं है, है ना, तो 4 नंबर का आंसर आना शुरू हो गया, 4 का 2, 4 का 2 कैसे कर सकते हो तुम लोग, ऐसा करोगे तो दुख लग जाएगा मुझे, अभी तो पढ़ाई ना, जस्ट अभी पढ़ाई, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें जैवलिन पूछा है, बिल्कुल राहुल जी जैवलिन पूछा है, तो यहाँ पे ओके जो है आशीष प्रजापति जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो है इसका आंसर 4 ही होगा, तो सुंदर सिंह गुर्जर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, आप बताएंगे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वोन गोल्ड मेडल इन शूटिंग इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020, तो शूटिंग में किसे गोल्ड मेडल मिला है ये मुझे आप बताएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट मुझे बताएंगे शूटिंग में किसे जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है योगेश, अगेन वही ऑप्शंस रिपीटेड है, तो जल्दी से मुझे बताइए इसमें क्या हो जाएगा, 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का आंसर, तो 5 का 2 बिल्कुल यहाँ पे आशीष सिंह जी का आ चुका है, और जो है रविचंद्रन जी का भी अवनी आ चुका है, एंड उसके बाद चलो तो आंसर आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल यही आंसर भी है हमारा, तो गोल्ड मेडल मिला है शूटिंग में हमारी जो है अवनी लेखरा को, चलिए जो कि भारत का पहला मेडल भी है और इस कैटेगरी में भी पहला है। चलिए बात करें हम 6 नंबर क्वेश्चन की, तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन अ मेन्स डिस्कस थ्रो एट अ पैरा ओलंपिक 2020, ठीक है, तो पैरा ओलंपिक 2020 गेम में जो है वो डिस्कस थ्रो में सिल्वर मिला है, किसे मिला है, यहाँ ऑप्शन थोड़े चेंज है, यहाँ पे योगेश काथुनिया के साथ अवनी लेखरा, निषाद कुमार, विनोद कुमार और देवेंद्र झाझरिया जी भी हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, 6 6 6,
तो बिल्कुल योगेश इज अ करेक्ट आंसर. 6 का 1, 6 का 1 जो है बिल्कुल सही, 6 का 1. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर की. तो आपको बताना है यहाँ पे, अभी मैं पढ़ाई हूँ आपको हाइलाइट्स, अभी मैं डेट डिस्कशन में ये बताई हूँ, अभी आपको ये बताना है कौन सा डेट, विच डेट सेलिब्रेटेड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डेट. 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29, 30 और 31 अगस्त. तो क्या होगा 7 नंबर का आंसर? कोई नहीं, राग दीजिए, आंसर करें जल्दी जल्दी. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का? 7, 7, 7 नंबर. तो 3 बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं, एंड उसके बाद धर्मा बोई जी 30 बता रहे हैं, नितेश जी बता रहे हैं 4. तो बिल्कुल यहाँ पे जो 30 यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं पढ़ाई हूँ. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की. तो अभी आप देखो, रिसेंटली बुद्धदेव गुहा हैज बीन पास्ड अवे. आपको बताना है ये किससे संबंधित थे, इनका प्रोफेशन क्या था. तो आपको बताना है यहाँ पे कि हाल फिलहाल में जो है बुद्धदेव गुहा जी का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे आपको बताना है. तो देखिए, ऑथर थे, इकोनॉमिस्ट थे, वकील थे, ये राजनीतिज्ञ थे, जियोलॉजिस्ट थे. तो देखो आपको बता दें हम कि 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये लेखक थे, इनकी कई सारी फेमस जो है वो रचनाएं हैं, जिसमें जो है आप देख सकते हो हनी गैदर यानी जो है मधुकरी जिसको बोल सकते हैं. तो इन्होंने लिखा है, बंगाली भाषा में लिखते थे, बंगाली राइटर थे ये, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो चुकी है, याद रखेंगे. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की. तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या, व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन दी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021. तो सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में क्या रैंक है दिल्ली का, ये पूछा गया. 50, 23, 48, 60, 10, 101 है, सॉरी नॉट 10 है, 101, ठीक है. तो क्या होगा आंसर? देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये इंडेक्स निकालता कौन है ना. सेफ सिटीज इंडेक्स निकालने वाली जो संस्था है वो है हमारी कौन सी, तो हम देखेंगे जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है. और इसमें जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको याद होगा कॉफिन्स की अगर हम बात करें, कॉफिन्स क्लाइमेट चेंज है ना. तो कॉफिन्स क्लाइमेट चेंज के तहत विश्व के बहुत प्रमुख है, लगभग 60 देशों की सूची तैयार की गई, जिसमें सबसे सेफेस्ट शहर की बात की गई. और अगर हम सेफेस्ट शहर की बात करते हैं यहाँ पे, तो 9 नंबर का आंसर यहाँ पे अपने इंडिया के लिए यानी 3 यानी 48, तो हमारे दिल्ली को जो है वो 48वें, 48 स्थान पे रखा गया, जबकि मुंबई का जो रैंक है वो 50 है. तो मुंबई जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, मुंबई का रैंक 50 है, दिल्ली का रैंक 48 है, ये आपको याद रखना है. तो मुंबई एंड दिल्ली हमारी दो प्रमुख नगरों को यहाँ पे ऐड किया गया इस लिस्ट में. चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की. हु हैज टुक चार्ज एज दी चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड ऑन अगस्त 2021. मैं ये कल पढ़ाई थी आपको है ना, कल मैं पढ़ाई थी आपको. आज एमसीक्यू है, आपको बताना है कि टीबी को रोकने के लिए जो है एक कमेटी सेटअप की गई है, उसके चेयरपर्सन का कार्यभार कौन संभाल रहा है. तो आपको बताना है राजेश भूषण, यहाँ पे मनसुख मांडविया, राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी एंड उसके बाद नरेंद्र मोदी. तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? तो देखिए कल ही पढ़ाई थी मैं आपको. तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे परिवार कल्याण मंत्रालय जिनके हाथ में है, हमारा जो परिवार परिवार कल्याण मंत्रालय जिनके हाथ में है, यानी हम बात कर रहे हैं अपने मिनिस्टर, यानी हम बात कर रहे हैं किनके बारे में, मनसुख मांडविया जी के बारे में. तो इन्होंने क्या करा है भाई, इनके हाथ में है ये, इन्होंने संभाला है फैमिली एंड हेल्थ वाला मंत्रालय इनके हाथ में है. चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट. देखिए आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा स्पेशल, और ये स्पेशल क्या है हमारा, तो ये हम देखने वाले हैं अगर हम बात करें यहाँ पे
तो हम आज से शुरू करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय से संबंधित जो भी स्कीम्स चल रहे हैं उस स्कीम को इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट की हूँ फाइनेंस मंत्रालय। तो फाइनेंस मंत्रालय का जो भी न्यूली स्कीम लॉन्च किया गया है पहले तो उसे देखेंगे और बाद में हम देखेंगे ओल्ड स्कीम को। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही जो स्कीम हमारे सामने है वो कौन सी है, स्कीम फॉर रिमिशन, स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। यानी बात की जा रही है रोड रोड टेप की, यानी शॉर्टली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बैंक वाले तो फुल फॉर्म बहुत याद रखेंगे, एसएससी वाले फुल फॉर्म बहुत याद रखेंगे। अब यहाँ पे नाम में ही छुपा हुआ स्कीम है रिमिशन करने की। रिमिशन यानी छूट, किसमें? ड्यूटीज में, ड्यूटीज में और किसमें? टैक्सेस में। किस पे भाई, किस पे? तो एक्सपोर्टेड आइटम पे, इस जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पे। अब बात की जा रही है कि हमारे को छूट मिलेगा ड्यूटीज पे, टैक्सेस पे, अगर हम चीजों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उद्देश्य क्या है ऐसे स्कीम का, उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो बिल्कुल ऐसे स्कीम का उद्देश्य जो है वो वही है, इन्हांस करना, बढ़ावा देना। क्या बढ़ावा देना? तो हमारे जो है, हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा मिले, इसके लिए हमारी सरकार ऐसी योजना लेकर के आई है। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो इस स्कीम में ऐसा क्या है भाई, तो हम देखेंगे दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ये जो स्कीम है सारे प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल है ना, विद द इफेक्ट। ये 1 जनवरी 2021 से लागू भी है, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू स्कीम है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं 1 जनवरी 2021 से ये लागू भी है। और दिस स्कीम इज, ये जो स्कीम है ये WTO के द्वारा कॉम्प्लायंट भी है। एंड इट रिप्लेस, ये रिप्लेस करने कर दिया है, किसको रिप्लेस किया गया है? तो पहले से जो चलती हुई स्कीम थी MEIS और दूसरी जो स्कीम थी ROCTL, इन दोनों स्कीम को ये क्या किया, रिप्लेस किया है। तो हम देख लेते हैं हमारी MEIS जो पहले स्कीम थी एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, वो क्या थी? तो बोला जा रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये पहले की स्कीम थी। और दूसरा जो था रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। तो जो रिबेट की बात की जा रही है यहाँ पे, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के द्वारा जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे कौन सा टैक्स लगता है याद करो, बताओ मुझे। तो सेंट्रल लेवल पे मेनली हम लोग देखते हैं एक्साइज को लगाया जाता है, स्टेट वैट लगा देती है, और इसके अलावा अतिरिक्त चार्ज भी लगते हैं, यानी लेवीज की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनको जो है कम करने की बात की गई। अच्छा, अब ये सोचिए कि अगर हमारी सरकार जो है वो कम करती है ना, अगर एक्सपोर्ट जो व्यक्ति करता है, एक्सपोर्ट पे ध्यान देता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार इसके ऊपर जो है टैक्स कम करती है, तो ऐसा करके क्या ही मिलने वाला है, क्या होने वाला है? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो पहले MEIS स्कीम थी वो एक तरह का इंसेंटिव स्कीम था। इंसेंटिव यानी आपको, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सरकार के द्वारा कुछ फायदा मिलेगा, कुछ रिसीव होगा, कुछ मॉनेटरी हेल्प आपको मिलेगा। अब ऐसा क्यों करती है सरकार? तो देखो, ऐसा सरकार इसलिए करती है क्योंकि जब आपको एक्सपोर्ट करने के लिए देश के अंदर से हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा तो आपके सामान का जो लागत है वो थोड़ा कम होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा। आप इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जंप करोगे वहाँ पे चाइना जैसी कंपनियों के साथ आपका जो है वो फाइटिंग होगा भैया, वो आपके कॉम्पिटिटर बनेंगे। तो जब उन सब कंपनियों से आपका भिड़न होगा तो उस समय आपको चाहिए क्या कि आप मार्केट में कॉम्पीट कर सको, तो दाम कम रहेगा तभी तो कॉम्पीट करोगे, अदरवाइज लॉस करके तो बिजनेस करोगे नहीं। तो हमारी सरकार इसीलिए इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले जो है जो हमारी स्कीम थी MEIS को, ये WTO के द्वारा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो है बिल्कुल जो है ये कॉम्प्लायंस नहीं किया गया था। और साथ ही साथ WTO ने भाई ये बात भी उठाई थी, रेज भी किया था कि आप इस तरह की, इंडिया जो है, भारत सरकार जो है इस तरह की जो है
छूट देता है अपने व्यापारियों को, तो इससे इंटरनेशनल नॉर्म्स ब्रीच होता है। अब सिंपल सी बात है, अब हमारे देश के सामान पे अगर 100 रुपया का लागत है और हमारी सरकार 30 रुपया का उस बंदे को छूट देती है और मार्केट में उस सामान का दाम 110 रुपया है, तो व्यापारी को कितना का फायदा हो जाएगा? आप सोच के देखिए, व्यापारी को तो यहाँ पे 70 रुपया ही पड़ रहा है ना, 30 रुपया तो सरकार वहन कर ले रही है, तो व्यापारी के पास तो 70 रुपये पड़ रहा है, और व्यापारी को बेचना कितना में, 110 में बेचना है, तो व्यापारी को जो है 40 रुपया का फायदा हो रहा है। अब मान लीजिए दूसरी ऐसी कंपनी है, दूसरी ऐसी कंट्री है जो इनका सामान बन करके तैयार होता है, मान लो 90 रुपये में, उनको भी बेचना है 110 रुपये में, तो उनको क्या हो रहा है, फायदा कम हो रहा है, तो उनको फायदा कम हो रहा है तो और दूसरी कंपनी को फायदा ज्यादा हो रहा है, यानी इंडिया की कंपनी को फायदा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा होगा ना दिक्कत होगी। अब इंडिया की कंपनी को ज्यादा फायदा होगा तो इंडिया वाले क्या करेंगे, ज्यादा माल एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादा उधारी भी लगा देंगे मार्केट में, तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये अनाउंस कब से किया गया, तो मार्च 2019 से अनाउंस किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है आपको याद रखना है क्या, कि इसके थ्रू जो है यहाँ पे जीएसटी नहीं आती, यानी जीएसटी जो है एक नॉन रिफंडेड आइटम है हमारा, एक नॉन रिफंडेड टैक्स है, जीएसटी इसके तहत नहीं आती। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बिल्कुल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, या हमारी जितनी भी लोकल ड्यूटीज है, जिस भी तरह की जो भी चीज़ें यहाँ पे आती है वो इसमें काउंट की जाती है, एक्सेप्ट जो है हमारी जीएसटी की बात अगर हम छोड़ दें, तो बात वही है जो आपको मैं पहले बता दी कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ से बूस्ट मिलेगा, वही बात यहाँ लिखी गई है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये जो है किनके द्वारा, कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो हमारी देखो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा, आपको ये याद रखना है कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है इसको लागू कराने के लिए जो है तत्परता दिखाती है। एंड सेकेंडली ऐसा कौन सी कमेटी के द्वारा बोला गया कि भारत को अपना व्यापार बढ़ाना है, कोविड के टाइम में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो देखो हालांकि ये 2019 में ही इनिशिएट किया गया था, उस समय कोविड आया नहीं था, 20 में कोविड आया है, तो हमारा इकोनॉमी जो है कंटिन्यूअसली स्लो डाउन फेस कर रहा था, 2018 से कंटिन्यूअसली स्लो डाउन फेस कर रहा था, तो इसके लिए हमारी सरकार जो है काफ़ी पैनिक थी। और 2019 में एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरपर्सन थे कौन, डॉक्टर जी के पिल्लई, जो डॉक्टर जी के पिल्लई है ये देखो, ये जो है इस कमेटी के चेयरपर्सन बने, जो कि फॉर्मर कॉमर्स एंड होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो कॉमर्स एंड होम सेक्रेटरी रह चुके डॉक्टर जी के पिल्लई के रिकमेंडेशन पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, देखो मुझे पता है थोड़ा आप लोग को पैनिक लग रहा होगा, लेकिन डोंट बी वरी अबाउट, बिकॉज हम लोग अब मंत्रालय उठा चुके हैं और हम लोग हर मंत्रालय के हर एक इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे, वो भी डिटेल से, इससे क्या इम्पॉर्टेंट बनेगा वो आप आराम से नोट्स आपको मिल जाएगा, आप आराम से शॉर्टली उसको पढ़ सकते हो, बट हम लोग डिस्कशन ब्रीफ में करेंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं, दो ही न्यूज़ आज है, दो ही न्यूज़, दो ही स्कीम पढ़ना है, ये सेकेंड वाला स्कीम है। अब ये स्कीम कौन सा है, तो हम देख सकते हैं स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पहले मैं हमेशा फाइनेंस मंत्रालय को उठाती हूँ ताकि जो है ये ज़्यादा अच्छा रहे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये बता तो चुकी हूँ यहाँ पे विकल्प, ये सारे के सारे जो है हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए ये अनाउंस कब किया गया, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 या 2.0 के तहत ये अनाउंस किया गया, आत्मनिर्भर भारत 2.0 2.0 के तहत जो है हमारा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम जो है ये अनाउंस किया गया, जिसके तहत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ऑफर कर रही है कितना, 12,000 करोड़ का स्पेशल जो है पैकेज, जिसमें इंटरेस्ट फ्री दिया गया 50 साल के लिए, तो स्टेट को जो स्टेट इसके तहत लोन लेंगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए, उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन करने के लिए इस कोविड पेंडेमिक के टाइम पीरियड में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 सालों की बात की जा रही है और ये जो है इंटरेस्ट फ्री की बात की जा रही है। ये स्कीम का एम क्या है, तो एम वही है बूस्ट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स की, और कोविड-19 के कारण जो इतना शॉर्टफॉल हुआ है रेवेन्यू का उसके कारण। अब हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ मनी
स्पेंड ऑन जो है एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग है ना, जो है मशीनरीज और इक्विपमेंट, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन शेयर। तो देखो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे जमीन बिल्डिंग बनाना हो या कोई मशीन सेटअप करना हो या किसी भी तरह का इक्विपमेंट्स अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, अपने व्यापारियों को सहारा देने के लिए, अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, और उनके पास पैसा है ही नहीं, तो क्या करेंगे? किससे पैसा लेंगे? केंद्र सरकार से लेंगे ना। तो इसीलिए स्कीम था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इस स्कीम के हैं तीन पार्ट, पहला पार्ट कवर करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, फर्स्ट याद रखेंगे, पहला पार्ट कवर करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। सेकेंड पार्ट कवर करता है अदर स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट वन। तो जो पार्ट वन में इंक्लूड नहीं है, यानी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ही, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ही वो क्या है, पार्ट है, लेकिन मान लीजिए वो अभी लिस्टिंग में नहीं है, तो उस पार्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। थर्ड बोला गया है, थर्ड की बात करते हैं, तो एम एट पुशिंग वेरियस सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म एट अ स्टेट। तो देखिए, अब समझो इसका मतलब क्या है। देखो, होता क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़ दो, ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न को हमने छोड़ दिया, इसके बाद हम पूरे भारत की बात करते हैं। अब मान लो बिहार ऐसा स्टेट है, यहाँ पे जनसंख्या तो है लेकिन व्यापार है क्या? व्यापार अगर हम बात करें, मशीन इंडस्ट्री ऐसा कुछ है? बहुत कम है। लेकिन वहीं पे अगर हम चले जाते झारखंड जैसे स्टेट में, ये गरीब तो है, पिछड़ा तो है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो यहाँ का डिमांड होगा इंडस्ट्री वाला। उड़ीसा की बात करें, इंडस्ट्री है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इंडस्ट्री है। तो ये सब मिडिल वाले स्टेट हो जा रहे हैं, डेवलप नहीं है, गरीबी स्टेट वाले गरीब स्टेट में आ जा रहे हैं। तो इनकी जो है सिटीजन सेंट्रिक, ये जो बात की गई ना सिटीजन सेंट्रिक, तो ये आबादी को देखते हुए, आबादी की डिमांड को देखते हुए, स्टेट की डिमांड को देखते हुए तीसरा लिस्ट है, ठीक है। अब वही बात है, अमाउंट जो होगा वो अवेलेबल होगा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसे भाई आप तक पहुंचाएगी। साथ ही साथ और भी चीज़ें इसके तहत, इस स्कीम के तहत और भी चीज़ें सरकार जो है वो चला रही है, जैसे आपको याद होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये भी कोविड पेंडेमिक और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 के तहत है। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड सरकार जो है 2020 में स्टार्टिंग से ही कर दी थी, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था कोविड के टाइम में, इसे पूरी तरह भरपूर लागू करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात अगर हम करें, तो ये भी सरकार का कुछ आत्मनिर्भर भारत के तहत और बिजनेस को बूस्ट करने का जो है ये चल रहा है। उसके बाद अर्बन एंड लोकल बॉडी है ना, तो इनको जो है पावर रिफॉर्म की बात की जा रही है, यूटिलिटी रिफॉर्म एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म। भैया पावर सप्लाई को लेकर के थोड़ा सरकार चिंतित है, और पावर को लेकर के हमारा एम भी है कि 2047 तक हम पावर में क्या बन जाएं, हम सेल्फ रिलायंस बन जाएं, यानी पावर सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बन जाएं। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, तो स्टैटिक एमसीक्यू आपके लिए है, ज़्यादा नहीं है, पाँच ही हैं, पैनिक नहीं होंगे, आंसर करेंगे फटफट से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए जो है क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, अकरेंस ऑफ शैलो फोकस अर्थक्वेक इन अ हिमालयन रीजन कैन बी एक्सप्लेन बाय नंबर वन, कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट दैट कंटिन्यू मूव टिल डेट। बोला जा रहा है हिमालय क्षेत्र में उथले फोकस वाले भूकंपों की घटना को किसके द्वारा समझा जा सकता है, यानी भूकंप की घटना को कैसे हम समझ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि भारत का प्लेट और यूरेशिया का प्लेट जो है, ये दोनों प्लेट के जो है टकराने से या कन्वर्जेंस की बात की जा रही है, जो कि दोनों ही प्लेट गति में है, मोशन में है, तो इन दोनों प्लेट के कारण क्या भूकंप आता है। सेकेंडली बोला जाता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन द इंडियन ओशन दैट रेज इट्स सी लेवल एंड कॉजेज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कहता है हिंद महासागर की जो तल है उसमें जो है जल स्तर बढ़ रहा है, और जल स्तर बढ़ने के कारण जो प्लेट है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी जो है जल और थल वाला जो भाग है इसमें क्या हो रहा है, कंटिनेंटल ड्रिफ्टिंग हो रही है, यानी आपस में जो दोनों प्लेट हैं ये टकराव की स्थिति में और बहाव की स्थिति में ये दोनों हैं, ठीक है, तो इसके कारण हो रहा है क्या, क्या होगा आंसर। तो धर्मा बोई जी बता रहे हैं दो, बी बता रहे हैं, और अंशिता बता रही है वन। तो देखो अब चलिए, पैनिक नहीं होंगे, यहाँ पे आंसर वन ही होगा, आंसर जो है वन ही होगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो भूकंप आता है, भूकंप की अगर हम बात करें, तो अगर
देखो, अगर आपका वाटर बॉडी है यानी वाटर वाला प्लेट है और आपका जमीन वाला प्लेट है यानी लैंड वाला प्लेट है, इन दोनों के टकराने से इन जनरल जो है वॉल्केनोज इमर्ज होते हैं, है ना। ज्वालामुखी होती है यहाँ पे, अगर जो है आपका थल और जल वाला प्लेट टकराता है तो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है तो। लेकिन अगर हम बात करें, ये इन जनरल ये देखा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें भूकंप की, तो हमारे नौ हिमालयन क्षेत्र में, प्रश्न पे हिमालयन क्षेत्र में फोकस था, तो हिमालयन रेंज में जो भूकंप देखे जाते हैं वो इस तरह की ड्रिफ्टिंग के कारण होते हैं, यानी जो है प्लेट की प्लेट से ड्रिफ्टिंग के कारण होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो पहले स्टार्टिंग में इनिशियली क्या था, पूरा वर्ल्ड एक जो है पूरा वर्ल्ड में एक ही प्लेट था जिसे हम बोलते थे क्या, पेंजिया, ठीक है। अब ये पेंजिया जो है ये दो भाग में टूट गया, जिसका नाम बन गया था, एक बन गया था लॉरेशिया, दूसरा बन गया था गोडवाना। अब हम बात करेंगे अपना जो इंडिया है वो पार्ट था किसका, गोडवाना लैंड का, और गोडवाना लैंड से भी अपना इंडिया जो है वो अलग हो गया, और अलग होते होते ये बढ़ता गया उत्तर दिशा की तरफ और यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। अब आप बोलोगे मैम आपने तो यूरेशियन बताया ही नहीं, आप तो बता रहे हो कि लॉरेशिया बना था, तो लॉरेशिया का ही पार्ट था यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट से अपना इंडिया टकरा गया, और यहाँ पे जो है टेथिस सी हुआ करती थी, और ये टेथिस सी अब के डेट में क्या बन गई, हिमालय बन गई। तो ये जो प्लेट है अभी भी प्लेट टेक्टोनिक चलते रहता है, प्लेट प्लेट से टकराते रहते हैं, ये पहाड़ वाले प्लेट दूसरे पहाड़ वाले प्लेट से टकराते रहते हैं और इसी कारण से होता है भूकंप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। बोला जा रहा है जी सुब्रमण्य जो है अय्यर, तो जी सुब्रमण्य अय्यर जो है वो किससे संबंधित है, एसोसिएटेड विच ऑफ दीज पब्लिकेशन न्यूज़पेपर, तो किस न्यूज़पेपर से ये संबंधित है आपको बताना है। स्वदेश मित्रा, द हिंदू, और यहाँ पे देख सकते हैं हम तमिल जो है मुरासु, तो कौन से पेपर से संबंधित है जी सुब्रमण्य। ओके थैंक यू प्रिया सती जी, बोल रही है योर स्टैटिक सेशन इज लाइक चेरी ऑन द केक, गजब, चलो अच्छा है, थैंक यू। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे पैनिक, तो यहाँ हम देख लेते हैं टू नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ये सी होने वाला है, यानी हमारा आंसर सी यानी कि वन एंड टू, यानी कि स्वदेश मित्रा एंड जो है द हिंदू इज अ करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या कि हमारे जो ऑथर है जी सुब्रमण्यम जी, 1898 में, देखो 1898 में जी सुब्रमण्यम लेयर जो है ये द हिंदू को क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इनका प्रिंटिंग स्टार्ट होता है, द हिंदू पे कवरिंग करना शुरू करते हैं ये, है ना, और जो है एडिटर के तौर पे वर्क करते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें जो है आप देख सकते हो स्वदेश मित्रा की बात करें, तो ये तमिल भाषा की न्यूज़पेपर है जो कि स्टार्ट हुई थी 1882 में, ठीक है। और अगर हम बात करें जो है तमिल, आपको मिला था यहाँ पे ऑप्शन में था ना तमिल मुरासु, तो ये जो है सिंगापुर बेस्ड तमिल भाषा की न्यूज़पेपर है, ये भी तमिल भाषा की न्यूज़पेपर है लेकिन सिंगापुर बेस्ड न्यूज़पेपर है, जो कि लॉन्च की गई थी 1935 में, और इसे लॉन्च करने वाले थे आप देख सकते हो थामजी हेवल जी, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नाम याद रखना है आपको, नहीं भी याद रखोगे तो सिंगापुर याद रखोगे, तमिल भाषा याद रखोगे, 1935 याद रखोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई हैं, आप आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो जी सुब्रमण्यम जो अय्यर हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ भैया न्यूज़पेपर ही छापना या न्यूज़पेपर को एडिट करना ही नहीं था, बल्कि जो है ये अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज जैसी कुप्रथाओं को भी जो है समाज से दूर करने के लिए, यानी हिंदू सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जैसे विडो रीमैरिज हो गया, बच्चों का विवाह हो गया या छुआछूत हो गया, इसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है और आर्टिकल लिखे हैं उसके लिहाज से। ये आर्टिकल काफ़ी बड़ा है लेकिन ये आर्टिकल एक करंट अफेयर से जुड़ता है, तो आपको बताना है यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तीन नंबर, विथ रिस्पेक्ट टू जो है स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एसेसिबिलिटी 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है जो है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसिबिलिटी पर राष्ट्रीय नीति के तहत अपनाई गई रणनीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर वन कहता है सेटिंग अप
of Model Electronics and ICT Center for providing training and providing training and demonstration to a special educator and physically as well as mentally challenged person. बोला जाता है प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करने के लिए मॉडल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी के तहत जो है केंद्रीय केंद्रों की जो है स्थापना विशेष शिक्षक और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए. भैया ये आईसीटी जो है वो सेंट्रिक होगा, यानी सेकेंड नंबर की हम बात करें, समझाऊंगी बाद में. सेकेंड नंबर ऑप्शन देखिए, बोला जा रहा है कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जो है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंटली एबल्ड ओनली बेस्ड ऑन इंडिजिनस रिसोर्सेज. एंड थर्ड बोला जा रहा है डेवलपिंग जो है प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड जो है असिस्टिव नीड्स. तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो देखो इसके ऑप्शन के लिए परेशान ना होंगे. तो तीन नंबर का वन यानी कि ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री है. तो ऑप्शन नंबर वन यानी डिसेबल पर्सन जो कि मेंटली और फिजिकल डिसेबल पर्सन है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी जो हमारा ये आईसीटी है, यानी आप देख रहे हो कि हमारा जो टेक्निकल सेक्टर है, हमारी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात की जा रही है, तो एजुकेशन सेक्टर में फिजिकली और मेंटली चैलेंज जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए भी है. एंड थर्ड जो हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो ये डेवलपिंग प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटीसी जो है वो क्या है, एक्सेसिबिलिटी एंड असिस्टिव नीड्स को भी देखता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है ये हो जा रहा है वन एंड थ्री. तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसको आप देख लेंगे. तो ये देखो, ये जो पॉलिसी ये फैसिलिटेट करती है, सुविधा देती है, इक्वल और जो है हम कह सकते हैं अनहिंडर्ड. ठीक है, तो अनहिंडर्ड एक्सेस ऑफ जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईसीटीस प्रोडक्ट्स की बात की जाती है. ठीक है, तो सभी को भाई बराबर का अधिकार मिले, है ना. आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी के सेक्टर की बात करें, तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो मेंटली चैलेंज हो या जो है आपका फिजिकली कोई जो है चैलेंज हो, उन सभी को जो है ये सपोर्ट मिल सके. और सेकेंडली जो है ऐसे पर्संस को एजुकेशन सेक्टर में और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है. अगर भाषा की बात हम करें तो भाषा का भी प्रयोग जो है यहाँ पे शिक्षा के को ध्यान में रखते हुए इस आईटीसी का प्रयोग किया जाता है, आईसीटीसी का, ताकि लैंग्वेज इजी हो सके और आराम से सभी चीज़ों को जो है ग्रहण किया जा सके. ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये स्टार्ट कब हुआ था, तो आप देख सकते हो इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है. कहाँ से, तो हमारी जो UNCRPD है, इंडिया ने UNCRPD को रेक्टिफाई किया, उसके बाद भारत में इस नियम को बनाना पड़ा. तो हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो इसको हमने रेटिफाई किया है. उसके बाद से हमें 2007 में, उसके बाद से हम अपने स्टेट के अंदर जो भी कानून बनाएंगे, जो भी चीज़ों को लॉन्च करेंगे, उसमें हमें जो है हमारे पर्सन जो डिसेबल हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा. यही बात है. आगे बात करें हम चार नंबर क्वेश्चन की, तो चार नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे बोला जा रहा है बायोल्यूमिनेसेंस इज द लाइट प्रोडक्ट बाय अ केमिकल रिएक्शन विद इन अ लिविंग ऑर्गेन, इट इज एग्जिबिटेड बाय. तो बताया जा रहा है कि बायोल्यूमिनेसेंसेस की बात की जा रही है, एक जीवित व्यक्ति के अंदर, जीवित जीव के भीतर जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न प्रकाश है. आपको बताना है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो बॉडी, जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर ऐसे जीव आप देखते होंगे, ऐसे तत्व आप देखते होंगे, जीव जो क्या करते हैं, जो चमकते रहते हैं. तो ये जो चमक उनके बॉडी के अंदर आती है वो कैसे आती, मैंने वो चमक उनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन के कारण आती है. अब आपको बताना है कि कौन कौन सी बॉडी जो है, जीव जो है वो ऐसा शो करते हैं, फिश, बैक्टीरिया, फंगी, क्या होता है. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो चार नंबर का आंसर सी यानी कि सभी के सभी, यानी 1, 2, 3, यानी फिश में भी ये होता है, फिश का भी बॉडी चमकता है, बैक्टीरिया भी चमकती है कुछ कुछ जो ऐसी वाटर के अंदर, अगर हम बात करें, और फंगी भी कुछ ऐसे होते हैं. तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना, एक बार इसको पढ़ लोगे काम खत्म हो जाएगा. बैक्टीरिया के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख सकते हैं यहाँ पे. चलिए, और अगर हम बात करें पाँच नंबर क्वेश्चन की, तो पाँच नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इज अ सब कंपोनेंट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय. पहला ऑप्शन यही बोला है, फॉलोइंग स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है. तो महिला किसान की बात की जा रही है, क्या ये दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत आता है, जिसे जो है हम देख सकते हैं ग्रामीण जो है, आप देख सकते हो कुशल योजना, यानी DDU GKY, इसके तहत आता है क्या. सेकेंडली बोला जा रहा है
इसका जो फोकस है, यानी महिला किसान की बात की जा रही है यहाँ पे, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का जो एम है, फोकस है, वो क्या है, कैपेसिटिंग है ना स्मॉल होल्डर टू अडॉप्ट जो है सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रोलॉजी, तो आपको बताना एग्रो एग्रो इकोलॉजी, तो आपको बताना है कि क्या जो है स्मॉल होल्डर जो छोटे किसान हैं वो सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंट और एग्रोलॉजी की बात की जा रही है, यानी एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का कम्बो, यानी ऐसा एग्रीकल्चर हम करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, एंड इवेंचुअली क्रिएट अ पोल टू स्किल्ड कम्युनिटी जो है प्रोफेशनल, और इसके तहत जो है जो कम्युनिटी बेस्ड स्किल प्रोवाइड किया जाएगा जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो क्या होगा, थोड़ा सा बल्कि है लेकिन करंट अफेयर से कोरिलेटेड है, तो इसका आंसर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, 5 का ऑप्शन नंबर B, यानी बी यानी कि यहाँ पे 2, तो यानी आपको थोड़ा सा ये देख लेना है 5 नंबर का आंसर B जो है यानी 2 है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो महिला किसान की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारी सरकार की पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007, तो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा है ना, या डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, इसके तहत आता है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक है, समझ गए, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो ये अगर सब कंपोनेंट की बात करें तो सब कंपोनेंट आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। महिला किसान का मतलब महिला टू बी रिकॉग्नाइज एज अ किसान, हमारे देश में महिलाएं काम तो करती है खेत के में जाकर के, लेकिन वो खेत महिला के नाम पे नहीं होता, समझ गए, तो महिला किसान हमारे यहाँ बहुत ही कम है, सरकार चाहती है कि महिला किसान आए और सामने आए, और अब ये प्रथा चले कि जो है किसानी में महिलाओं के नाम पे भी उनकी जमीन हो और वो एक्टिव तौर पे फार्मर कहलाएं। चलिए बात करते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका ले लीजिए स्नैपशॉट और इसका आंसर कीजिएगा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, जो कि क्लास के बाद होगा, एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर है, एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू।